कल भारत की संसद में एक गैर संवैधानिक बिल पास किया गया और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्यवाही के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। सभी दलों के लोगों की सेलेक्ट कमेटी बनती है और राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया। अगर उन लोगों को अपना नाम मंजूर नहीं तो उनकी मर्जी है। और आप प्रिविलेज सिखा रहे हैं गृहमंत्री जी? आपको इतना पता नहीं है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होता उसका नाम नहीं लेना चाहिए सदन में? आप बार बार केजरीवाल जी के खिलाफ आग उगल रहे थे सदन के अंदर, तो इसलिए कम से कम आप लोग प्रिविलेज मत सिखाइए। और अगर आपकी मर्जी है कि पूरे विपक्ष को खत्म करना है, सिर्फ आप और मोदी जी देश को चलाना चाहते हैं, तो खत्म कर दीजिए विपक्ष। किसी को प्रिविलेज कमेटी में भेज के, किसी को निलंबित करके, किसी की सदस्यता रद्द करके खत्म कर दीजिए विपक्ष की आवाज को, और आप और मोदी जी और कुछ राज्यपाल मिलकर देश को चलाइए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।